हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं आपका भाई प्रिंस और लेकर आ गया हूं एक नया वीडियो। तो थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग जा रहे हैं शहीद मीनार पर। फिलहाल अभी हम लोग रास्ते में जा रहे हैं उसी तरफ। तो जब तक हम लोग उधर पहुंचते तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं सीधा उधर जाके। चलिए तो गाइस, हम लोग जा रहे थे शहीद मीनार पर, लेकिन उसके ठीक आगे ये आप देख सकते हो, ये है ईडन गार्डन स्टेडियम। तो आपको पता है कि ईडन गार्डन स्टेडियम क्या है। ये जो ईडन गार्डन स्टेडियम है, इसके ठीक ऑपोजिट पर शहीद मीनार है। तो अभी हम लोगों को इधर से थोड़ा चल के जाना पड़ेगा। तो जब तक हम लोग उधर जा रहे हैं तब तक आप लोग वीडियो पर बने रहिए, क्योंकि वीडियो में बहुत सारी चीज़ आपको देखने के लिए, जानने के लिए मिलेगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए तो गाइज, अब हम लोग आ चुके हैं शहीद मीनार पर, यानी ऑफ्टालोनी मोनूमेंट पर। अब अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैं शहीद मीनार को ऑफ्टालोनी मोनूमेंट क्यों कह रही हूँ, तो इसके पीछे भी एक राज है, और वो ये है कि कमांडर ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मेजर जनरल सैर डेविड ऑफ्टालोनी के नाम से ये मोनूमेंट बनाया गया था। उन्होंने दो जंग फतेह की थी हमारे खिलाफ, यानी हम इंडियंस के खिलाफ। एक डिफेंस ऑफ दिल्ली जो मराठास के खिलाफ 1804 में लड़ी गई थी, और दूसरा एंग्लो नेपाली वार्स जिसपे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गुरखास के खिलाफ लड़ी थी। तो इस दोनों युद्ध में कमांडर डेविड ऑफ्टालोनी ने अपनी जीत हासिल की थी, और इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके सम्मान में ये मॉन्यूमेंट बनाया था, और इसीलिए इस मुल्क को आजादी के पहले ऑफ्टालोनी मॉन्यूमेंट कहा जाता था। और दोस्तों, किसी को भी शहीद मीनार के अंदर एंट्री नहीं मिलता है, क्योंकि 1997 में यहाँ पे एक बड़ा हादसा हुआ था। तब से हमेशा हमेशा के लिए शहीद मीनार का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई भी इसके अंदर नहीं जा सकता। अगर किसी को भी इसके अंदर जाना है तो सबसे पहले कोलकाता पुलिस का परमिशन लेना पड़ता है, लाल बाजार पुलिस स्टेशन से। तो फिलहाल हम लोगों ने कोई परमिशन नहीं ली थी, इसलिए हम लोग इसके अंदर गए नहीं। लेकिन यहाँ का जानकारी प्राप्त करने में यहाँ पे मौजूद पुलिस ऑफिसर्स ने हमारी काफ़ी मदद की। सो बिग थैंक्स टू कोलकाता पुलिस। तो गाइस, इस मॉन्यूमेंट के नीचे से ऊपर तक जाने के लिए यहाँ पे टोटल 233 सीढ़ियों को चढ़ना पड़ता है। और गाइस, ये मॉन्यूमेंट 1828 में बनके तैयार हो गया था, लेकिन इसको बनाने का काम शुरू हुआ था 1825 में, और सिर्फ 3 साल के अंदर ये मॉन्यूमेंट बनके तैयार हो गया था। अगर आर्किटेक्ट की बात करें तो ये मॉन्यूमेंट 3 मिक्सर पे बना हुआ है, एक सीरियन आर्ट, दूसरा इजिप्शियन आर्ट और तीसरा तुर्की आर्ट। अगर हाइट की बात करें तो इसका करीब 48 मीटर हाइट है। 1969 में इस मॉन्यूमेंट का नाम ऑफ्टालोनी मॉन्यूमेंट से चेंज करके शहीद मीनार रखा गया। और गाइस, अभी बात करते हैं ये ऐतिहासिक ग्राउंड के बारे में, जो कि ब्रिगेड ग्राउंड के नाम से जाना जाता है। 1939 में कविगुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने पहली बार यहाँ पे पॉलिटिकल मीटिंग किया था अंग्रेजों के खिलाफ। तब से ये ग्राउंड पॉलिटिकल मीटिंग के लिए मशहूर है। तो गाइस, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।